हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एविकेट फैमिली में। तो आज का जो अपना टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, वो है ओवरकिल। सुनने से ही पता चल रहा है कि ओवरकिल में क्या है, थोड़ा सा आपको अंदाजा लग गया होगा, तो भी मैं आपको बताता हूँ। दो रेक्टेंगल फर्स्ट में अपन इसके लिए क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए देखिए, इस पॉइंट में लेकर मैं क्रिएट करता हूँ, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा। अब देखिए, रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये रेक्टेंगल की जो दोनों लाइन्स है वो इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लाइन से टच होकर जा रही है। तो अपन को इन दोनों लाइन्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी रेक्टेंगल का जो हिस्सा है उसी का पार्ट होना चाहिए, इन दोनों लाइन्स की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ओ बी शॉर्ट कमांड है, ओ बी, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद बड़े वाले रेक्टेंगल को, छोटे वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाएंगे। अभी आपके स्क्रीन पर एक रिलेट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट का एक ये आया है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, ओके दबाना है बस। ओके दबाने के बाद देखिए, अभी यहाँ की जो लाइन थी वो अपने आप से डिलीट हो चुकी है। ये जो छोटा रेक्टेंगल है वो बड़े रेक्टेंगल का एक हिस्सा है। तो इतना सा है, जो शॉर्ट कमांड है वो है ओवी। अभी ओवरकिल कमांड को अपन यहाँ से भी ले सकते हैं, मॉडिफाई टूल के नीचे एरो बटन दबाइए, और ये नीचे देखिए एक झाड़ू टाइप एक आइकन है, सेकंड टाइप नीचे से सेकंड, तो देखिए उस पर भी क्लिक करने के बाद ये देखिए ओवरकिल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो बेटर है कि आप शॉर्ट्स कमांड जरूर ध्यान रखें, तो ओ वी है शॉर्ट कमांड। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड थैंक यू।